और ये ऐसे घूर घूर के उनको देखने लग गई जैसे पता नहीं कोई महान चीज उखाड़ रहा। खर 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 आवाज आ रही थी, मुझे क्या पता कि वो ऐसे ड्रेस चेंज करने के लिए भी सेटअप होता है। खर 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 आवाज आ रही थी, इनको क्या लगा क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो गाइस पिछला व्लॉग हमने अभी अभी एंड किया और आज हमारा भुज का फर्स्ट डे का इवनिंग है और हमने महल देख के खत्म कर लिया है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही। अब हमें पहुंचना है कच्छ म्यूजियम, टाइम बहुत कम बाकी है, 4:15 के आसपास हो गया और 5 बजे बंद हो जाता है। लेट्स होप के वो 5 बजे तक एंट्री दें और फिर देखने दें हमें लेट तक। चलिए, बीच में रामकुंड आता है तो हमको वो भी देखना है। इसको बीच में रामकुंड देखने की भी इच्छा है पर मेरे हिसाब से हमारे पास टाइम कम है तो वही देखना चाहिए। इनफैक्ट हम यहाँ भी इसीलिए रुक गए क्योंकि हमें ये मंदिर दिखा और ये मंदिर पे लिखा हुआ है हाटकेशन अंबाजी मंदिर। दैट मीन्स 99% इसका हमारे जो समाज है, कम्युनिटी है, उससे रिलेशन है। हाँ। लेकिन फिलहाल ना वो कंफर्म करने का टाइम है ना अंदर जाने का टाइम है, हम भुज में ही हैं मैडम, सिर्फ कच्छ एक दो दिन ही जाना है। आप ही से बात कर रहे हैं? अच्छा, ओके। तो हम भुज में ही हैं कुछ दिन, तो आगे आके फिर कंफर्म कर लेंगे। फिलहाल हम कच्छ म्यूजियम हो सकेगा तो कंफर्म करेंगे। अब इन्हें ये कंफर्म अभी करना है, जल्दी पहले कच्छ म्यूजियम चलो यार। लेट हो रहे, चलो जल्दी चलो। गाइस ये कंफर्म हो गया, मैंने ये कंफर्म कर लिया, ये हमारे वडनगर का ही है। वडनगर अपन विसनगर नागर है पर हाँ नागर समाज का ही है। चलो आएंगे बाद में वापस। और खंडर मिला जो बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब यहाँ ना शहर में ऐसे खंडर दिखे ही जा रहे हैं। नहीं, ये शहर बहुत पुराना बना हुआ है और यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का काम चल ही रहा है। होपफुली ये अच्छा बन जाए। कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हम रास्ते में, कितना ज्यादा सोचिए। हाँ, यहाँ पर हर मंदिर हर दुकान पे ज्यादातर नाम रखा है, स्वामीनारायण मंदिर, स्वामीनारायण औषधालय, स्वामीनारायण ये, स्वामीनारायण वो। गाइस अभी भी हम 10 मिनट का रास्ता ही पार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है 15 मिनट हो गए, 2 मिनट का हो रहे हैं। हाँ लेकिन देख यहाँ से ना इस लेक का व्यू एक्चुअली अच्छा आ रहा है। मैं भी पता नहीं क्यों बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ बट एक्चुअली लिटरली लेक का व्यू अच्छा आ रहा है अगर आप देख पा रहे हो तो। हम ऑलमोस्ट भुज म्यूजियम के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे एक बोर्ड लगा है प्लेसेस टू विजिट इन भुज। मैं मैडम को बोला है फोटो ले ले ताकि हमारा ट्रिप अच्छा जाए, सारी चीजें मिस ना करें हम। तो गाइस मिनी सक्सेस, कच्छ म्यूजियम आ गए। तो गाइस एग्जैक्ट 4:30 पे हम पहुंच गए हैं कच्छ म्यूजियम और हम बिल्कुल लेट नहीं हुए। अभी ये 5:15 तक कच्छ म्यूजियम चालू रहेगा तो हमको फटाफट देख के आना है। वहाँ से मैंने देखा ना तो मेरे को लगा कि ये अंकल यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। सच्चे यहाँ आके एकदम वह देख, वो आग भी एकदम रियल लग रही है, ये आंटी भी एकदम रियल लग रही है। क्या बोल रही है? मस्त बना रखा है, ऐसे रियल लग रहे हैं ना सारे। हाँ, रियल दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अंकल घूर रहे हो। क्या हुआ? बूंगा बोलते हैं ना इसको शायद। हाँ, बूंगा। आंटी छाछ बना रही, मस्त लग रहा है। अंकल कुछ करते क्यों नहीं, अंकल प्लीज। हमको अभी अभी डांट के गए कि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो अब हम आगे वीडियोस नहीं लेंगे। वही है ना जो इसमें यूज होता है, दिवाली वगैरह में यूज होता है, एकदम एकदम पास से फोटो। तो गाइस म्यूजियम में हमारे साथ पचका हो गया, आप लोगों को बताया भी हमने कि हमने एक आध वीडियो निकाला और फिर हमको बोला कि आपको वीडियो निकालने की परमिशन नहीं है। तो हमने बोला हमने तो टिकट कटाई हुई है, मतलब जो फोटोग्राफी की, हम कहीं भी जाते हैं ले ही लेते हैं फोन फोटोग्राफी किट परमिशन। तो उन्होंने बोला नहीं आपने 100 रुपये वाली कटाई है उसमें खाली फोटोज अलाउड है और 500 रुपये वाली कटाओगे तो वीडियो अलाउड है। तो तब तक हम अंदर जा चुके थे, फिर वापस बाहर आओ, 500 रुपये की टिकट कटाओ, फिर वीडियो लो और म्यूजियम बंद हो जाता और म्यूजियम बंद होने वाला था तो उतना टाइम भी नहीं था और हमें वर्थ भी नहीं लगा कि भाई 10 मिनट के लिए 500 रुपये। अगर सुबह से आए होते तो ठीक है 500 रुपये दे के ब्लॉग कर लेते, अगर एक आध दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचा तो मैं सोच रहा हूँ आके 500 रुपये दे के और एक बार पूरा वीडियो शूट प्रॉपर कर लेंगे। पर अभी जितने क्लिप्स हैं वो अच्छी बात ये है कि उन्होंने डिलीट नहीं करवाए, बस मना कर दिया, जो क्लिप्स आ गए वो आ गए और बाकी के फोटो ले लिए हमने। हाँ बाकी के सब हमने फोटो ले लिए तो आपको दिख जाएंगे वो। पर उसके बाद लगी थी प्यास, तुरंत सबसे पहले पानी लिया। भाई यहाँ पे ना प्यास ज़्यादा लग रही है प्लस सूखा सूखा सा लग रहा है वो, मतलब ठंडी है और रेगिस्तानी वाली ठंडी है, मतलब थोड़ी अलग ठंडी होती है यहाँ पे और पूरे वोट ना खींच रहे हैं ऐसे मेरे तो। हाँ, है ना। हाँ, पर गलती हमारी ही है, हमने सुबह नाश्ता किया और हमने पानी नहीं पिया। हाँ, फिर हमने खाना खाया और छाछ पी ली और पानी नहीं, नाश्ते के बाद पिया था पानी, फिर खाने के बाद छाछ मिल गई तो ऐसा पेट वेट भर गया तो पानी पीने की याद ही नहीं आई और फिर घूमते रहे अब शाम हो गई करीब करीब
सूर्य जो है वो अस्त होने वाला है, तो हमने सोचा तुरंत सामने एक लेक है। अब ये लेक आपको दिखने में सुंदर लग रहा होगा, बट यहाँ की स्मेल्स और जो मेंटेनेंस है वो अच्छा नहीं है। जगह जगह पे गाय के गोबर, रैंडम कुत्ते खड़े हैं, हमारे सामने ही चल रहा है। देखो ये रैंडम, मतलब ऐसा लगता है, ऐसी लगता है कि कोशिश की है डेवलप करने की, पर कम्प्लीटली डेवलप कर नहीं पाए हैं यहाँ पे। पर ठीक है, अच्छा व्यू है और देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है, जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। बाकी इस लेक के लिए अलग से आने का कोई मतलब नहीं है। इसके आसपास कुछ अट्रैक्शंस हैं, वो देखते देखते देख लो, मतलब लेक अच्छा दिखता है। गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, जगह जगह पॉलीथीन हो रही है। स्वच्छ भारत वाला कुछ भी अभियान यहाँ पर चलता नहीं है। हाँ ये गलत बात है ना, स्वच्छ भारत चलना चाहिए। कम से कम गुजरात में तो चलना चाहिए ना, मोदी जी ने बोला तो। हाँ यार, मोदी जी ने बोला है गुजरात वालों को तो चलाना चाहिए। अभी तक भुज हैज बीन गुड, कुछ अलग देखने मिल रहा है, कुछ डिफरेंट देखने मिल रहा है और बहुत सारी चीजें हमें पता चल। तो गाइस अगर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे सूर्य अस्त हो रहा है, दैट मीन्स लाइट धीरे धीरे जा रही है। मतलब व्लॉगिंग वगैरह हम ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, पर उसके पहले आज की आइटनरी में हमारा जो है आईना महल मिस हो गया। एक्चुअली हम दिन में भी लेट हो गए और लकीली थर्सडे को बंद भी था, तो वो हम कवर नहीं कर पाए, तो हम कल कवर करेंगे, ऐसा नहीं कुछ छोड़ देंगे। लेकिन फिर हम कल से एक आइटम आज उठा लेते हैं। तो नज़दीक में नेहा बोल रही है कि रामकुंड करके कुछ है, वो भी ऐसी छोटी सी जगह, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे पहले कि सूर्यास्त हो हमें वो भी देखना है। चलो जल्दी, सूर्यास्त होने ही वाला है ऑलमोस्ट। क्या इस लेक पे ये भी लगा हुआ है कि यहाँ पे रेड वेटेड लैव पिंक दिख रहा है, हमको दिखा भी। हाँ बहुत सारी, पर एकदम कचरे के अंदर। हाँ हाँ बहुत सारी है वहाँ आगे, वो रही। हाँ वो देखो, लेकिन वो बिल्कुल ही देखो, साइड में कचरा है और बीच में रेड वेटेड लैव पिंक है। आते हैं अभी अभी इसी एरिया में घूमेंगे, तो एक आध दिन इनका क्या बोलते हैं वो टेलीफोटो लेंस से लेने की ट्राई करते हैं इनके फोटोज। ओ मैडम, रॉन्ग साइड क्यों चल रहा, ट्रैफिक से इस साइड चल रहा। अरे हाँ चलते हैं ना, गाड़ी बहुत प्यारी है ना। नेहा पता नहीं किस सुनसान गली में हमको चलवा रही है। अब एक मिनट का रास्ता है, जल्दी चलो। भुज में ये चीज अच्छी है कि सब चीज पास पास में, और सबसे अच्छा फायदा ये है कि हमने जहाँ पर होटल लिए उससे तो बिल्कुल ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सारी चीजें। हाँ वो अच्छा हुआ, एक सब कुछ पास पास है। पास पास है। देखो हम गाइस इस गली से अंदर आए और यहाँ पे एक मंदिर टाइप राम रोटी दिखा और नेहा कुछ बताया। खास केंद्र है ये, और मैंने एक वीडियो में देखा था कि यहाँ पर पहले फ्री में खाना मिलता था, पर फिर सबको बुरा लगना, तो 20 रुपए में यहाँ पर पूरी प्लेट खाना मिलता है। नहीं बुरा नहीं, लोग छोड़ने लग गए, वेस्ट होने लग गया, तो उन्होंने बोला 20 रुपए में खाना नहीं। पर जो लोग अच्छे थे उनको लगा कि नहीं ये फ्री में खिलाते हैं तो कुछ इनको दान करना चाहिए, तो वो फिर उन्होंने कुछ पैसे दान करने लग गए, तो उसके बाद से उन्होंने यहाँ पर 20 रुपए प्लेट रख दिया। पर मैंने जब देखा था कि यहाँ पर अपन एक बार आएंगे तो मैप पे ये क्लोज बता रहा था, लेकिन खुला है। लेकिन खुला है, हाँ यही दिख रहा है राम रोटी छाछ के, रामकुंड जाने के रास्ते में ही दिख रही है ये जगह। तो ऐसा होगा तो एक बार आके ट्राई करेंगे। वैसे इनको डोनेट करने ही आएंगे, खाना तो हमारे यहाँ भी है, मतलब जा रुके नीलकंठ भवन में भी खाना तो है, पर एक बार ट्राई तो करेंगे। हम्म, कुछ नहीं तो एक छोटी एक प्लेट लेके भले थोड़ा ट्राई करके देखेंगे। हाँ इनको मतलब इनको पैसे डोनेट करने आएंगे ना, कोई इतना अच्छा काम कर रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है। ये तो मंदिर स्वामीनारायण मंदिर लग रहा है मुझे, ये रामकुंड है। अच्छा ये रामकुंड है, रामकुंड। अच्छा ओके, तो रामकुंड किसी और वाव जैसा ही दिखता है, लाइक सब बावड़ी बोलते हैं, वाव बोलते हैं, जो बोलते हैं इसको। नाइस, स्टेप वैली दिख रहा है। हाँ ये स्टेप वैली तो है रामकुंड, मतलब वो तूने कुंड बोला तो अभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये स्टेप वेल होगा। गाइस अगर हमने एक और बावड़ी पे डेडिकेटेड व्लॉग बना दिया ना, तो हमारे चैनल का नाम बदल के हम बावड़ी व्लॉग्स कर देंगे, वाव व्लॉग्स कर देंगे, स्टेप वेल व्लॉग, स्टेप वेल व्लॉग इंग्लिश वालों के लिए। चलो थोड़ा नीचे उतर के चलते हैं। नीचे उतरना है? हां उधर से। ओके अब यहां से हम नीचे जा रहे हैं। गाइस हमारे साथ एक एम्बैरेसिंग मोमेंट होते होते बचा, किसी बेचारे की प्री वेडिंग शूट चल रही है बैकग्राउंड में, और उन्होंने एक टेंट टेम्परेरी लगा रखा था जिसमें वो शायद कपड़े चेंज कर रहे थे, और ये ऐसे घूर घूर के उनको देखने लग गई जैसे पता नहीं कोई महान चीज उखाड़ रहा। खर 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 आवाज आ रही थी, मुझे क्या पता कि वो ऐसे ड्रेस चेंज करने के लिए भी सेटअप होता है। खर 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 आवाज आ रही थी, इनको क्या लगा क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तो इतना एम्बैरेसिंग कर दिया। लेकिन वो फिर जब शूट करने लगे ना, तो हमें एक रील का आइडिया क्लिक हुआ, लेकिन अभी फिलहाल वो लोग शूट कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम कल वापस आते हैं और यहाँ पे एक रील शूट करेंगे। तो गाइस हम लोग कच्छ भुज घूम रहे हैं, फिलहाल एक सीरीज चल रही है कच्छ और भुज से रिलेटेड, तो अगर आपको देखनी है तो हमारे कंटिन्यूस व्लॉग्स आ रहे हैं उस टॉपिक पे। पहले भी हम गोवा के, शिमला के एक्सेट्रा व्लॉग्स डाल चुके हैं, ट्रैवल व्लॉग्स, रेगुलर फैमिली व्लॉग्स भी डालते हैं, तो कुछ हमारे व्लॉग्स चेकआउट करें, और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आई गेस हमने रामकुंड पूरा कवर कर लिया है आज के दिन में, और अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ है।
हालांकि अब सूरज एकदम नीचे चला गया, दिख नहीं रहा, पर लाइट अभी भी है। तो आज का प्लान जितना था उतना तो हमने करीब करीब कवर कर ही लिया, बस वो रह गया, कौन सा महल? आईना महल रह गया, तो उसके लिए हम कल कवर कर लेंगे। तो गाइस आज का मेन कंटेंट तो यहीं खत्म होता है, अब हम बस घर पे जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, एडिट करके अपलोड करेंगे और सो जाएंगे। और अगर तो हम कहीं अच्छी जगह गए तो हम आगे का व्लॉग भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। काले मड़िए अने जो चैनल गमे तो सब्सक्राइब जरूर कर जो। बाय। और बाय द वे गाइस जो ये रामकुंड हम बोल रहे थे वो यहाँ के पता चला कि महादेव का मंदिर है, इट्स श्री कंठेश्वर महादेव मंदिर।